You're watching Exposed India. बागपत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने व्यापारी का अपहरण कर 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में चार बदमाशों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने दो तमंचे, 315 बोर कारतूस और एक चाकू बरामद किया है। जबकि वहीं वारदात का मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस का सिपाही रविन्द्र ठाकुर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र का है, जहां कस्बा बड़ौत के ही रहने वाले लोहा व्यापारी फारूक 12 जुलाई 2018 को कार सवार बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक कर हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया था और अपहरण की वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आमिर, अरमान, वसीम और असलम है, जिसमें ये दिल्ली और गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध असलहे, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं।